गाइस स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस आज हम दोबारा से आ चुके हैं अपने लोधी गार्डन में। आज फिलहाल हमारा जो कैमरा मैन है वो आज हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो जा चुका है आज, और फिलहाल हम ही आए हुए हैं। मतलब मैं ही आया हूँ अकेले, और कोई नहीं आया मेरे साथ में। तो फिलहाल आज हम आए हुए हैं लोधी गार्डन और बताएँगे आपको लोधी गार्डन की स्टोरी, और दिखाएँगे आपको यहाँ के जो सुंदर सुंदर नज़ारे हैं वो भी दिखा देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं एक बहुत ही बढ़िया जगह यहाँ पे, जो जहाँ पे मतलब काफ़ी सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं, और आपको भी दिखाऊंगा एक बार फूल कैसे। मतलब यहाँ पे जो फूल है ना वो फूल इसलिए हैं क्योंकि जो नर्सरी है उस टाइप की बनाई गई है, और काफ़ी प्यारे प्यारे फूल हैं। अलग अलग प्रकार के फूल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फूल। गाइस देख ही सकते हैं आप कितने अच्छे अच्छे फूल हैं यहाँ पर, देख ही सकते हैं आप। ये आगे मतलब किस तरह से एक बगीचा बनाया है बहुत बड़ा, इसके अंदर मतलब पुदीना है शायद कुछ होगा। तो ये है इसके, और देख सकते हैं, और ये रास्ता का जो पूरा बाउंड्री है चारों तरफ से मतलब फूल ही फूल लगे हुए हैं। तो गाइस आप मेरे पीछे देख ही रहोगे काफ़ी मतलब बड़ा बगीचा है ये। यहाँ पर मतलब जो भी है फूल वगैरह लगाए हुए हैं, आपको अलग अलग प्रकार के फूल मिल जाएंगे, और भी यहाँ पर आगे बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। और तो वीडियो बिल्कुल भी मत करना, बने रहना हमारे साथ में। मतलब आपको आज पूरा हम लोधी गार्डन जो है घुमा देंगे, और एक मतलब जहाँ पर हम पिछली बार भी तो गए हुए थे, लेकिन पिछली बार हम जो है पूरा घूम नहीं पाए थे किसी कारणवश, हमको पता भी नहीं था। लेकिन आज जो है हमको थोड़ा बहुत जो आइडिया आ गया है, और फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फूल तो मैंने दिखा दिए, अब चलेंगे यहाँ से हम आगे, और आगे देखेंगे यहाँ पर कौन सी मतलब बेहतरीन चीज़ यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि लोधी गार्डन ऑलरेडी पहले से ही फेमस है। और एक बार हम दिखा देंगे आपको लोधी गार्डन, आज पूरा घुमा देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। हम फिलहाल अभी आ चुके हैं यहाँ पर, अभी आपको एक नए प्रकार के फूल दिखाऊंगा मैं, और मेरे सामने आप देख सकते हैं देख ही रहूँगा आपको व्हाइट में कोई दूंगा ठीक है। जो आपने मेरे पीछे फूल देखे होंगे काफ़ी प्यारे प्यारे फूल थे, अजी मतलब थोड़ा सा मतलब आपने कभी देखे नहीं होंगे, शायद देखे भी होंगे कहीं लोगों ने, पर काफ़ी अच्छे फूल थे जो कि इसी सुंदर लोधी गार्डन में पाए जाते हैं ये फूल। और फिलहाल काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, मतलब शांति का माहौल भी बना हुआ है, और बाकी जो ज़्यादातर लोग हैं ऊपर अपना कोई संगीत सुनने में बिजी है, कोई मतलब म्यूज़िक बजाने में बिजी है। और फिलहाल हम यहाँ पर आए हैं ब्लॉग शूट करने के लिए, तो हमको फिलहाल अपना ब्लॉग के लिए और मतलब यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें जो है देखनी पड़ेगी। तो बने रहिए हमारे साथ में। गाइस फिलहाल हम पहुँच चुके हैं उस बगीचे में, और आपको दिख रहा है काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है यहाँ पर, दिखा देना पूरा। देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं मतलब काफ़ी मतलब प्यारी टाइप की बनाई हुई है, और बिल्कुल अच्छा है। मतलब गर्मी के दिन में यहाँ पे नीचे छाव रहती है, और साहब मेरे पीछे से जो गेट देख रहे हैं काफ़ी अच्छा गेट दिख रहा है, और इसके चारों तरफ फूल ही फूल हैं। और यहाँ पे जो है पीछे एक बहुत बड़ा पार्क है, ये यहाँ पर मतलब आप बैठ घूम फिर सकते हो, बैठ सकते हो फैमिली के साथ, थोड़ा बहुत जो है टाइम स्पेंड कर सकते हो। और फिलहाल ये मैंने आपको फूलों का बगीचा दिखाया था, एक आगे भी था और एक यहाँ पर है, मतलब एक रास्ता रहता है उसके ऊपर से मतलब फूल बिछाए हुए हैं, और काफ़ी अच्छा गेट है, और काफ़ी देख ही सकते हो रास्ता जो है काफ़ी अच्छा है। मतलब इसके साइड साइड में फूल लगे हुए हैं, बिल्कुल शांति से मिल रहा है यहाँ पर आके, क्या ही बताऊँ मतलब क्या ही फीलिंग हो रही है यहाँ पर आने के बाद। तो बढ़ते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं आपको आगे। और ये इसके रास्ते हैं, मतलब जो झील के किनारे के साइड रास्ते हैं, और ऊपर शायद से बड़ा किला है, किले के पास से चलते हैं आपको। अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं सिकंदर लोधी के मकबरे में, एक बार आपको सिकंदर लोधी का जो ऊपर वाला एरिया है वो दिखा देता हूँ। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से आने के लिए इसकी एक सीढ़ियाँ हैं, और ये मेरे पीछे आपको दिख रही होगी इसकी दीवारें, और
और ये मतलब सिकंदर लोधी का जो है पूरा मकबरा है, अभी इसके अंदर जाके आपको दिखाएंगे। और फिलहाल आपको बाहर का एरिया दिखा रहा हूँ मैं एक बार, देख ही सकते हैं यहाँ पे किले का पूरा बना हुआ है लोधी का। कैसे सा गेट है यहाँ से अंदर जाने के लिए, हम इसके अंदर आ चुके हैं। और जो अंदर का लुक है काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ से, मतलब उस समय के जो राजा महाराजा थे लोधी वंश के, उन्होंने इस प्रकार से इसको तैयार किया हुआ था। मतलब काफ़ी अच्छी, मतलब इसकी जो लोकेशन है काफ़ी अच्छी दिख रही है मेरे को यहाँ से। एक बार मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा, मतलब जो ये पार्क है, पार्क तो काफ़ी खूबसूरत है, मतलब चारों तरफ से जो फूल लगे हुए हैं और जो दीवारें बनी हुई है, इस टाइप की दीवारें बनी हुई है, काफ़ी मतलब अच्छी दिख रही हैं। एक बार मैं आपको दिखाने की दोबारा से कोशिश करूँगा। तो भाई अभी देख ही सकते हैं मैं मतलब इसके अंदर आ चुका हूँ पूरी तरीके से। और यहाँ पर मतलब लोग आते हैं घूमने के लिए, और ये मकबरा बनाया गया है जो उसका, और ये देखिए सबसे दीवार काफ़ी अच्छी मतलब बनाई है। देख सकते हैं मिनिमम मेरे हाइट से अलग 6 फुट 7 फुट की ये दीवार होगी, इतना मतलब गैप रखा गया है इनके बीच में, मतलब हर साइड में एक गेट बनाया गया हुआ है। मतलब उस समय शायद जो सैनिक वगैरह होंगे यहीं पर पहरा देते होंगे, शायद ये एक कारण ये हो सकता है, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि मतलब जो यह है इसका डिजाइन टाइप की बनाई गई थी इस मकबरे की, ये हो सकती है। मतलब दीवार आप देख ही सकते हैं कभी 10-15 फीट ऊँची है, मतलब उस समय एक सुरक्षा के लिए भी बना दिया गया होगा। लेकिन जो इसको मतलब खूबसूरती है ना, उसका मैं बता नहीं सकता हूँ मतलब कितना खूबसूरत है ये जगह। इसको सिकंदर लोधी का मकबरा कहते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे की ओर और आगे का दिखाएंगे आपको। और झील तो आज कुछ खास यहाँ पर दिखी नहीं, मतलब जो बोलते हैं ना जिसमें फवारे वारे लगे होते हैं उस टाइप की झील थी, लेकिन आज है नहीं वहाँ पर। और फिलहाल सिंपल सी झील थी मैंने आपको दिखा दिया, और ये मकबरा है इसका। और भी आगे देखते हैं अभी हमको यहाँ पर और कैसे मिलेगा, ये बस जानने के जरूर ट्राई करेंगे। तो वैसे फिलहाल हम पहुँच चुके हैं इस जो मकबरा है इसके अंदर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर जो पकड़ दिखा दी गई इसके मतलब चारों तरफ से जो है जालियाँ फैला दी गई हैं, शायद इसके अंदर सिकंदर लोधी जो है उनकी कब्रें यहाँ पर है ये, और चारों तरफ से मतलब जाली लगा दी गई है, मतलब कहीं से आप अंदर नहीं जा सकते हो। फिलहाल ये यहाँ पे एक कब्र है जो सिकंदर लोधी की है, और आगे से एग्जिट गेट है इसका। और मैं यहाँ पर ग्राउंड आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी मतलब बड़ा बड़ा है जो मकबरा है, काफ़ी मजबूत है, लोधी वंश के साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे। फिलहाल गाइस अब हम एक पार्क में आ चुके हैं, अब थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद चलेंगे यहाँ से आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है, मतलब करीब 1 घंटा हो गया घूमते घूमते, तो परेशान हो चुके हैं, मतलब थकान लग चुकी है। अब तो पानी की प्यास भी लगी है, पानी भी लेके नहीं आया हूँ, यहाँ पर पानी भी नहीं मिलेगा आपको। तो मिलते हैं आपसे आगे वीडियो के साथ में। फिलहाल हमको एक मकबरा यहाँ पर और दिख चुका है, हम उस मकबरे के अंदर जाएंगे, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये भी, और एक बार आपको दिखा दूँगा यहाँ से, और फिर बताऊँगा उस मकबरे के बारे में आपको। गाइस फिलहाल चलेंगे हम मकबरे की ओर और दिखाएंगे आपको मकबरे वाला रास्ता। हम पहुंच चुके हैं एक बड़े किले की ओर, नाम तो मेरे को उसको पता नहीं है, बट काफ़ी बड़ा है यहाँ से। और मैंने एक बार आपको बाहर से दिखा दिया, और एक बार यहाँ से दिखा दूँगा आपको, देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छा लगा। इसका नाम है बड़ा गुंबद, सॉरी बड़ा गुंबद है इसका नाम, और काफ़ी बड़ा भी है ये, एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बड़ा गुंबद, और मेरे को ज़्यादा पता है नहीं कुछ इसके बारे में, आप देख लीजिए पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। गाइस फिलहाल हम वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर मतलब हमने यहाँ पहला ब्लॉग बनाया हुआ था, उसी एरिया में आ चुके हैं दोबारा से, लेकिन आज एरिया थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है मेरे को, और एक बार आपको दिखा दूँगा। ये भी एक मतलब काफ़ी अच्छा है, परसों तो हमने वो ब्लॉग नहीं डाला था, मतलब वहीं से हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई थी, और आज हम जो यहाँ से प्रॉपर ब्लॉग है वो बनाने यहाँ आए हुए थे। और फिलहाल चलते हैं हम आगे की ओर। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं, आप देख ही सकते होंगे, आपने अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, और देख ही सकते हैं परसों वाले एरिया में पहुंच चुके हैं। लेकिन ये एरिया काफ़ी अच्छा है, पिछली बार हम भूल चुके थे कि मतलब ये ऐसा एरिया यहाँ पर है, हमको लगा था कि हम कुछ दूसरे गार्डन में आ गए, नहीं फिलहाल उसी के एरिया के अंदर आता है। जो भी आप गूगल में सर्च मारोगे सिकंदर लोधी कॉम्ब वगैरह, सभी लोधी गार्डन के अंदर आते हैं, और यहाँ का सीन जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ मेरे को आके। आप एक बार आपको मैं थोड़ा सा करीब आके दिखाऊँगा, आ जाओ इसके अंदर,
बहुत ज़्यादा सफाई कब रहे हैं, अभी किसकी कब रहे हैं मेरे को भी पता नहीं है। ऊपर का दिखाना और देख ही सकते हैं, ऊंचाई देखना इसकी बात में डाल दूँगा। बाग है और फैमिली में अगर टाइम स्पेंड करना हो आप यहाँ पर आ सकते हैं, घूमने के लिए बिल्कुल शांत एरिया है ये। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं आगे हमें यहाँ पर और क्या मिलता है। यहाँ पर आके मेरी जो पुरानी यादें हैं ना, जो हमने फर्स्ट व्लॉग यहीं से स्टार्ट किया था, उसकी यादें हमको यहाँ पर ताज़ा हो गई। मतलब मेरे साथ जो दो तीन फ्रेंड आए थे, मतलब उनके दिन याद आ गया यार मेरे को आज। और फिलहाल जो हमारा कैमरा मैन है वो भी आज है नहीं, उसकी भी बहुत याद आ रही है मुझे, क्योंकि वो हर व्लॉग में मेरे साथ ही रहता था। जो फिलहाल ऐसी है, तो फिलहाल चलते हैं हम आगे की ओर और मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस फिलहाल आज मैंने आपको दिखा दिया है लोधी गार्डन, और लोधी गार्डन में आगे कुछ ऐसा मतलब अच्छा था घूमने लायक, अच्छा है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो काफ़ी टाइम स्पेंड हो सकता है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे आपको। मतलब यहाँ पर जैसे कि बोले तो फूलों के बगीचे वगैरह हैं, और तरह तरह के जो जानवर वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।